मिट्टी काफ़ी पुरानी हो जाने पर कई बार ऐसा होता है कि मिट्टी में निमेटोड्स की प्रॉब्लम आने के चांसेस हो जाते हैं, जिससे कि आप कहते हैं कि रूट्स में छोटी छोटी गांठें या नोड्स पड़ जाती हैं, जिससे कि आपका प्लांट अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाता है और उसकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी ठीक से नहीं हो पाती है। तो ऐसा ज़रूर करें कि जब भी आपने अपनी सॉइल को तैयार कर लिया है दोबारा सोइंग के लिए, तो उसमें मैरीगोल्ड का पौधा ज़रूर लगाएं। उससे जो मैरीगोल्ड का पौधा है उसकी रूट से एक तरह का केमिकल रिलीज़ होता है जो कि नेमेटोड्स को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक हेल्प करता है। इसके अलावा भी अगर मैरीगोल्ड का सीज़न नहीं है तो भी कोशिश करें कि अपनी सॉइल में कुछ पौधे मैरीगोल्ड के ज़रूर लगाएं। तो अगर फूल नहीं भी आएंगे तो कम से कम ये नेमेटोड्स को कंट्रोल करेंगे और आपको सॉइल को काफ़ी हेल्दी बनाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आप इस प्रैक्टिस को एक बार करेंगे और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। थैंक यू।